नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार की बेल्ट अटैच कैसे करते हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। देखिए स्टिचिंग, ये है, मैंने बेल्ट पहले ही तैयार कर रखी है। ये देखिए, जिधर जहाँ ये नाड़ा डालने, जहाँ नाड़ा डालते हैं, ये इधर से आगे वाला पेस है हमारे, इसको 9.5 इंच पे, 9 या 9.5 पे, चुंगट के लिए हमने इतनी जगह में चुंगट डालनी है। ये हमने गुटका कैची के साथ गुटका है लगा लेना है, ये ठीक। और ये है हमारा पीछे वाला हिस्सा, ये देखिए। ऐसे ही हम यहाँ तो सिलाई आई हुई है, ये बैक है, ऐसे अगर सिलाई हो तो यहाँ भी कैंची के साथ एक गुटका हम लगा लेंगे। आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ये अब है, बेल्ट को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके ऐसे बैक वाला हिस्सा रखेंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए, ये हमने रख लिया। अब ऐसे ही हम ये सलवारी, मैंने नीचे सिलाई मारी है तो तकरीबन सभी को ही आती है, फिर भी अगर किसी को नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगी अगली सलवार में। ये देखिए, इधर से हमारा आसन है, आसन को पकड़ेंगे एक तरफ से सीधे को, बेल्ट भी हमने सीधी रखी हुई है, ध्यान से देखिए, और ये भी सीधे सीधे के साथ हम सीधा मिला देंगे। और बैक में हम 2 चुंगट डालेंगे जिससे कसाव नहीं पड़ता, सलवार ढीली रहती है। ये देखिए, इस चुंगट का ये चुंगट, ये एक चुंगट पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, थोड़ा बड़ा करके चुंगट डालना है ये बैक साइड में। और एक हमने आगे की तरफ डालना है ऐसे, एक पीछे की तरफ गया तो एक आगे की तरफ, ऐसे सेम चुंबन ऐसे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है सलवार को बेल्ट लगाने का। ये देखिए, इसको ऐसे आधा आधा इंच इधर तो जाएंगे, आप ऐसे लगाइए, फिर आगे हम सीधा सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने ये देखी, ये निशान दिया हुआ है ना 9.5 इंच पे, ये वाला चाहो तो यहाँ चौक भी लगा, लेकिन चौक मिट जाता है ना। तो अब हम पहले यहीं से ही एक ये चुंगट डालने शुरू करेंगे। ये सिंपल सलवार है, अगर पटियाला सलवार है तो आप 10 इंच पे निशान लगा सकते हो, 10 साढ़े 10 पे। इनका मुंह हम ऐसे चुंगट बनाएंगे और ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे ऐसे। छोटे बड़े मत कीजिएगा, ध्यान से सारे चुंबट हम ऐसे एक जितना जितना एक बार जितना कपड़ा लोगे उतने ही डालने हैं, ये नहीं कि छोटे बड़े डाल दो। देखिए इतने एक जैसे डल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे।
ये देखिए नीचे हमने 1 इंच का गैप छोड़ना है फ्रंट पे, जहाँ नाड़ा डालने वाली है नीचे, यहाँ आसन से आसन भी लाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये 1 इंच हम जगह छोड़ें, क्योंकि ये चलते टाइम फिर फंसती नहीं है सलवार, जैसे आगे की तरफ सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं होती। ये हमने पूरे यहाँ तक नहीं, सिलाई तक चुंगड़नी लेके आने। ये देखिए ये है, मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ यहाँ से नाड़ा डलेगा, ये वाली चीज़ सिलाई है, सिलाई से 1 इंच हम ये जगह छोड़ देंगे। ये देखिए इतना गैप हम यहाँ पे, यहाँ पे हमने चुंगड़ टमड़े कर दी, यहाँ पे हम आसन मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ ये चलते टाइम फिर सलवार नहीं फंसती, आगे की तरफ सारे चुंगट इकट्ठे नहीं होते। अगर ये यहाँ तक ले आओगे अब चुंगट, तो फिर वो फंसती है, चलते हुए आगे बल आते हैं उसके। ये देखिए इतना ही हम यहाँ पे गैप, जितना यहाँ इतना यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ भी हम शुरू यहीं से ही करेंगे, इतने ये छोड़ के। ये जो हमने पीछे ऐसे बल पीछे की तरफ डाले थे, और अब हम अपनी तरफ करके ऐसे डालेंगे। एक साइड के, ये एक साइड के हो गए हैं, देखिए ये देख, ये सारे पीछे की तरफ हैं। और अब यहाँ पे आसन मिला दिया है, सिलाई आ गई है। ये देखिए ये गैप हमने, ये गैप छोड़ा है इधर से भी और इधर से भी, और अब ये ऐसे आगे की तरफ। सलवार कटिंग करने से कुछ भी काट रहे हो, पहले उसको प्रेस जरूर कर लीजिए, प्रेस करने से वो फर्क पड़ता है, कपड़ा छोटा बड़ा नहीं आता और सफाई से सिला जाता है। जितनी सफाई से आप कटिंग करोगे उतना ही साफ स्टिचिंग भी साफ आएगी। देखिए ये सारे डल गए हैं, अब इधर से हम ऐसे पकड़ के मिला लेंगे। ये देखिए अगर कपड़ा बढ़ रहा है तो इधर एक चुंबट और डाल देंगे। ये सिलाई ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं भी सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बल बने हैं, ये चुंगट, ये देखिए एक भी बल छोटा बड़ा नहीं है, सारे चुंगट एक समान है। और फिर सीधा करके एक एक सिलाई हम यहाँ भी यहाँ पे भी लगा लेंगे। मेरे को ये मेरे आप मेरी वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगा मेरा तरीका चुंगड़ डालने का। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।